विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सिंगरौली में कांग्रेस ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंगरौली में विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें आदिवासियों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। उसी के उपलक्ष में हर साल हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस की आज़ादी की लड़ाई में जो अपना सर्वस्व निछावर करने वाले श्री बिरसा मुंडा जी पूरे पदाधिकारी और मूर्ति पर माल्यार्पण देखकर श्रद्धा समर्पित की और उनके कामों को याद किया गया। निश्चित रूप से ऐसे आदिवासी नेता जिन्होंने देश के आज़ादी में बहुत बड़ी योगदान दिया, उस सबके लिए हम लोग विनम श्रद्धा सुमन के लिए अर्पित किए। हमारे साथ प्रदेश के नेता आदरणीय श्री राम शर्मा जी, आदरणीय श्री द्विवेदी जी, आदरणीय श्री शर्मा जी एवं पूरे जिला कांग्रेस साथ ही साथ आज भारत छोड़ो आंदोलन का भी आगाज आंदोलन दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए इस देश के शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। केवल भारत देश के लिए नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस। विश्व के पटल पर आदिवासियों के वीरता और आदिवासियों के रहन सहन के विषय में जब चिंतन हुआ तो ये तय हुआ कि ये इस भारत के ही नहीं पूरे विश्व में इनका वर्चस्व था। उसको लेकर के विश्व ने एक नियम बनाया कि हम 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस को मनाया करेंगे। उसी अनुरूप आज भारत में भी हम सब लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस प्रतिमा के समक्ष हम सब लोग खड़े हैं, सबसे भारत का सबसे वनांचल देश झारखंड था जहाँ इनकी पैदाइश हुई और उस समय 1895 का दिवस था। पूरे उसमें टैक्स लग चुका था, लोग बेगारी में अंग्रेजों से मुसीबत में थे। ऐसे हालात में बिरसा मुंडा जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हैसियत पर उनका तत्काल विरोध किया और जबरदस्त विरोध किया और इन्हें उसी समय से वहाँ के आदिवासी लोग इनको बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानने लगे और आदिवासी देवता के रूप में इनको पूजने लगे। पूरे देश में इनको आदिवासी संग्राम सेनानी की हैसियत पर सम्मान प्राप्त हुआ। आज हम सब लोग उनकी प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर के और उन्हें अपने तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित कर निमन कर रहे हैं। Rabindranath Tagore University Bhopal NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।